तो हे गाइस, स्वागत है आपका आयुर्वेदिक जानकारी में। लहसुन के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसको गार्लिक कहा जाता है और बोटानिकल नेम है जिसका एलियम सैटिवम। काफी ज्यादा यूजफुल होता है आपका एक छोटा सा कली लहसुन। अगर आप डेली एक लहसुन की कली का यूज करते हो, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आपकी बॉडी में, क्या क्या इसके फायदे होते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम लहसुन के बहुत अच्छे अच्छे फायदे आपको बताने वाले हैं, जो आपकी बॉडी के लिए या आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा कमाल के हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम सारी की सारी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में, आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं। लहसुन के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसमें कई प्रकार के ऐसे गुण पाए जाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक गुण, एंटी बैक्टीरियल गुण, एंटी मिनरल्स होते हैं, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन B6, विटामिन K, विटामिन C, फाइबर होते हैं और थायमिन जैसे। इसमें कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो आपके शरीर को एक प्रकार के हेल्थी रखने में मदद करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। अगर आप डेली एक से दो कली लहसुन का यूज कर रहे हो, कच्ची लहसुन का सुबह खाली पेट, तो आपकी बॉडी में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहला जो फायदा आता है, आपके डाइजेशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, यानी खाना को पचाने के लिए आपका जो लहसुन होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी दिन भर में। साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। यानी जैसे कि ब्लड, कई लोग क्या होता है ना, ब्लड क्लॉट प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड को पतला करने में ये मदद करता है। दूसरी चीज याद रहती है, इसमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, LDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको भी कंट्रोल करने में लहसुन जो होता है काफी हद तक कारगर साबित होता है। तीसरी चीज आती है, आपकी किडनी डिजीज के लिए इसका फायदेमंद होता है। यानी एक प्रकार का किडनी क्या करता है, आपका प्यूरिफाइड करता है, तो आपकी किडनी के प्यूरिफाइड के इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। प्यूरिफाइड लेवल जो ज्यादा से ज्यादा हेल्थी रखता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी जो अच्छे से प्यूरिफाइड हो पाए, आपका यूरिन रास्ता जो होता है बराबर क्लियरली होता रहे। अगर आपको UTI की प्रॉब्लम भी है तो लहसुन भी उसमें काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ अगर आपको वेट का कम करना है, अपना वजन कम करना है, तो लहसुन बहुत ज़्यादा फायदा कर सकता है। इसके साथ साथ ही स्ट्रेस लेवल को कम करता है, टेंशन को दूर करता है, नींद की प्रॉब्लम को भी दूर करने में मदद करता है। और आ जाते हैं इसके फायदे, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है। अगर आपको बार बार सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाती है, तो आप लहसुन का कंटिन्यूसली यूज़ करना शुरू कर दीजिए। इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये काम करेगा। इसके साथ साथ इसमें नेचुरली एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, जो विटामिन जैसे कमी को दूर करने में मदद करते हैं। इसके बाद आ जाता है कि शुगर को कंट्रोल करने में भी लहसुन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ ही कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, सुबह खाली पेट लेने से आपका पेट भी फ्रेश हो जाएगा। सर्दियों में ज्यादातर इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में खांसी जुकाम बुखार जो होता है, कंडीशन जो होती है वो चलती ही रहती है, तो इसीलिए खाने के साथ या खाने के पहले भी आप लहसुन को यूज कर सकते हो। कफ कोल्ड से अगर बचना चाहते हो तो आप लहसुन का ज्यादा से ज्यादा आपको यूज करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी तासीर। जो लहसुन की तासीर होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो इसीलिए इसको सर्दियों में ज्यादा यूज कर सकते हो आप, गर्मी में ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मी पहले ही बढ़ जाती है तो आपके लिए हानिकारक हो जाता है। इसके साथ साथ ही और इसका एक फायदा होता है, मेजर फायदा जो करता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से सेक्स ड्राइव या सेक्स लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी लहसुन इसमें कारगर साबित हो जाता है। इसके साथ साथ इसको लेने का जो बेस्ट तरीका है वो सुबह खाली पेट आपको लेना चाहिए। कच्ची लहसुन का एक या दो कली आप इसको ले सकते हो, कच्ची लहसुन ज्यादा फायदेमंद बताई जाती है। इसके बाद आ जाता है इसके साइड इफेक्ट्स। फायदा तो करते ही है, नेचुरल चीज है, लेकिन साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर आप इसको ओवरली ले लेते हो। किसी भी चीज का यूज अगर आप ओवर कर देते हो तो आपके नुकसानदायक ही देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, लीवर का इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट बन यानी सीने में जलन होना, गैस बनना, कब्ज बन सकती है। इसके साथ साथ ही
ब्लड ज्यादा देर तक जैसे थिन कर देते ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। इसके साथ साथ ही चक्कर आने की कंडीशन जो होती है उसमें भी ये दिक्कतें कर जाएगा। इसके साथ बताते हैं हम कि कब आपको नहीं लेना चाहिए। ये तो सभी बताते हैं कि आप इसके फायदे ये लीजिएगा, खाइए, इसको कब नहीं लेना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की दिक्कतें हैं तो इसको नहीं लेना चाहिए। कच्चा लहसुन क्या करता है, आपके एसिडिटी के और प्रभाव को बढ़ा देता है। गर्म होता है ना तो इससे आपको सीने में जलन होना प्रॉब्लम हो सकती है, गैस ज़्यादा हो सकती है, उल्टी मिजली का मन हो सकता है। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो लहसुन, कच्चा लहसुन आपने नहीं लेना चाहिए। इसके बाद आ जाता है लो ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो लहसुन उनको नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ मुंह में अगर बदबू आती है तो भी उसको नहीं देना चाहिए, इससे और बदबू बढ़ सकती है। अगर आपका जैसे कि ब्लड क्लोटिंग का प्रॉब्लम है, सर्जरी करवाने का प्रॉब्लम है तो लहसुन को बंद कर दीजिए, क्योंकि ब्लड को बहुत ज़्यादा पतला कर लेता है, जिसकी वजह से अगर आप हेपरिन जैसे मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ भी इन दवाइयों का यूज़ नहीं करना चाहिए। ब्लड की प्रोसेस को ज़्यादा ये बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ ही ब्लड को क्लॉट करने से भी बचाता है, ब्लड को क्लियर कर देता है। इसीलिए अगर आप हेपरिन जो मेडिसिन आती है उनके साथ अगर आप इसको लेंगे तो ब्लड की प्रतिक्रिया और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आपको और दिक्कतें आ सकती है। तो गाइस ये था कुछ लहसुन का यूज़, लहसुन को लेने का तरीका। सुबह खाली पेट आपने एक या दो लहसुन लेना है, कब नहीं लेना है वो हमने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर कुछ भी डाउट रहे या कुछ पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक अच्छी जानकारी के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।